नमस्कार, मैं पूजा जाधव और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ 18 जनवरी को असम पुलिस ने FIR दर्ज की है। अधिकारी ने बताया है कि यात्रा के रूट में बदलाव की वजह से राज्य के जोरहाट शहर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने बताया है कि यात्रा को अनुमति के अनुसार KB रोड की ओर जाना था, इसकी बजाय यात्रा को शहर में एक अलग रूट पर ले जाया गया। इससे इलाके में अराजक स्थिति पैदा हो गई। लोगों की अचानक भीड़ के कारण कुछ लोग गिर भी गए और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। अधिकारी ने कहा कि जोरहाट सदर पुलिस स्टेशन ने अपने ही संज्ञान लेते हुए ये FIR दर्ज की है और उसके मुख्य आयोजक के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। अधिकारी के अनुसार FIR में उल्लेख किया गया है कि यात्रा ने जिला प्रशासन के मानदंडों का पालन नहीं किया और सड़क सुरक्षा मानदंडों का भी उल्लंघन किया। FIR को लेकर कांग्रेस ने हिम्मत शर्मा सरकार पर वार किया है। कहा जा रहा है कि FIR अनावश्यक बाधाएं पैदा करने की एक चाल है। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्व शर्मा ने भी रूट को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि शहरों के अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम है, ऐसे में जो भी वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन अगर शहर के अंदर से जाने की जिद की जाएगी तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे, मैं केस दर्ज कर दूंगा और बाद में 2 से 3 महीने की सुनवाई के बाद हम गिरफ्तार कर लेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड के बाद असम में पहुंची थी। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिवनगर जिले में दावा किया कि देश में शायद सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस राज्य में है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि असम पहुंचकर उतना ही प्यार मिला जितना मणिपुर और नागालैंड के लोगों से मिला। हमारी इस यात्रा का लक्ष्य आपकी पीड़ा, आपके मुद्दों और आपके साथ हो रहे भयंकर अन्याय को करीब से समझना है। उन्होंने कहा, असम सरकार BJP रूपी नफरत की खाद से उपजी भ्रष्टाचार की फसल है। असम का मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जिसका सिर्फ एक काम है नफरत की आड़ में जनता का पैसा लूटना। पैसों की ताकत असम के लोगों की शक्ति को कभी नहीं हरा सकती। हमें इस अन्याय से लड़कर ऐसा असम बनाना है जहाँ हर हाथ रोजगार हो, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक वैभव सदा संपन्न रहे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 6,713 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त हो गई। असम में यह यात्रा 25 जनवरी तक जारी रहेगी और 5 राज्यों से 110 जिलों से होकर गुजरेगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।